ओह फाइनली गाइस आपने गेम के अंदर न्यू जनरेशन बाइक को ले लिया है। गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू जनरेशन बाइक को कैसे ले सकते हो और इसका चीट को नंबर क्या है, चलो मैं आप लोग को बताता हूं। पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं अपने गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को ले लिया और रॉकेट लंबोर्गिनी काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस रॉकेट लंबोर्गिनी को कैसे ले सकते हो और इसका चीट को नंबर क्या है, चलो मैं आप लोग को बताता हूं। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं अपने गेम के अंदर न्यू वेपन्स को ले लिया है। यहां पे आप लोग ग्रेनेड बम और साथ ही मशीन गन को देख सकते हो। आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस ग्रेनेड बम और साथ ही मशीन गन को कैसे ले सकते हो, चलो मैं आप लोग को बताता हूं। और गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो भाई इस बार की अपडेट के अंदर जीप देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस बार के अपडेट के अंदर आप लोगों को आर्मी जीप देखने को मिलेगा। फिर और इसी के साथ साथ गाइस मैं आप लोगों को खतरनाक वाला गुड न्यूज भी बताने वाला हूं। गेम का अपडेट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कराए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आप लोगों को बाइक ड्रम थ्रीड गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड प्रो गेमिंग को वीक शॉर्ट आउट जाता है। अगर आप लोग भी गाइस वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट लेना चाहते हो तो आप लोग मेंबर शॉर्ट आउट को जाकर ज्वाइन करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को शॉर्ट आउट दिया जाएगा। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कराए तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाकर फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे आप लोग न्यू अपडेट से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसको जवाब 100% दूंगा, तो आप लोग जाकर फॉलो जरूर कर लेना। और इस वीडियो का 6 के लाइक का टारगेट है तो आप लोग 6 के लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू जनरेशन बाइक को कैसे ले सकते हो और इसका चीट को नंबर क्या है। चलो गाइस मैं आप लोगों को न्यू जनरेशन बाइक का चीट को नंबर बता देता हूं। पहले गाइस आप लोग ये वाली ट्रिक को ट्राई कर लेना, उसके बाद गाइस आप लोग चीट को नंबर डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर न्यू वाली जनरेशन आर्ट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को मस्टैंग जीटी कार को स्पॉन करा लेना है। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे मस्टैंग जीटी कार को स्पॉन करा लिया है, इसका आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग को डॉग को स्पॉन करा लेना है। जैसे आप लोग 600 डाल करोगे तो डॉग स्पॉन हो जाएगा और डॉग के पास जाओगे तो आप लोग को डॉग एंड मस्टैंग जीटी दोनों पे बैठने का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस आप लोग जाकर डॉग पे बैठ जाओगे एंड अब आप लोग को क्या करना है गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे डॉग को राइड करना है, ठीक है। एंड जैसे गाइस आप लोग थोड़ा सा डॉग को राइड कर लेते हो उसके बाद गाइस आप लोग को मस्टैंग जीटी गेट के पास फिर से चले जाना है। तो चलो गाइस हम लोग डॉग को मस्टैंग जीटी के गेट के पास लेके जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग मस्टैंग जीटी के गेट के पास लेके आ चुके हैं डॉग को। उसके बाद गाइस आप लोग को डॉग से उतरना है एंड अब आप लोग को क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जैसे आप लोग डॉग से उतरते हो फिर से गाइस आप लोग को यहाँ पे एक डॉग को स्पॉन कराना होगा। तो आप लोग देख सकते हो 600 डाल करके गाइस यहाँ पे मैंने डॉग को स्पॉन करा लिया है। दोनों डॉग को ऐसा लगाना कि भाई दोनों डॉग पे बैठने का ऑप्शन मिल जाए, इस टाइप से लगाना। मस्टैंग जीटी का भी आइकन आना चाहिए। जैसे गाइस आप लोग क्लिक करोगे और आप लोग का जो करेक्टर है वो डॉग पे बैठेगा, उसके बाद गाइस आप लोग का जो करेक्टर है वो थोड़ा दूर जाके गाइस अपने आप ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू जनरेशन बाइक को कैसे ले सकते हो और इसका चीट को नंबर क्या है। गेम के अंदर गाइस कुछ इस तरह से आप लोग को जनरेशन बाइक देखने को मिल जाएगा, न्यू वाले जनरेशन बाइक काफी ज्यादा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसका चीट को नंबर की बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी आप लोग अपने गेम के अंदर 400 डाल करते हो तो आप लोग का गेम के अंदर गाइस जनरेशन बाइक ओल्ड वाले स्पॉन होती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड वाला स्पॉन हो चुका है। तो न्यू वाले जनरेशन का चीट को नंबर किस टाइप का होने वाला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो 401 से गाइस आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को न्यू वाला जनरेशन आर्ट देखने को मिल सकता है। 410 से गाइस आप लोग को न्यू अपडेट के अंदर न्यू वाला जनरेशन आर्ट स्पॉन हो सकता है। फिर आप लोग 4011 डाल करोगे तो इससे भी हो सकता है आने वाले अपडेट के अंदर न्यू जनरेशन आर्ट देखने को मिले। हमारे गेम के अंदर न्यू वाले जनरेशन बाइक का चीट को नंबर कुछ इसी तरह से होने वाला है। तो हमारे गेम के अंदर न्यू जनरेशन का चीट नंबर किस टाइप का होने वाला है मैं आप लोगों को बता दिया हूं। हमारे गेम के अंदर न्यू केटीएम भी ऐड हो चुका है जिसका गेम प्ले गाइस आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है। गाइस आप लोग काफी टाइम से रॉकेट लंबोर्गिनी के लिए कमेंट कर रहे हो, तो गाइस आप लोग गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी जल्दी देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों को पता है अभी आप लोग अपने गेम के अंदर 4x3 डायल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी देखने को मिल जाती है। आप लोग अपने गेम के अंदर 700 डायल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर गाइस मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी देखने को मिल जाती है। तो हमारे गेम के अंदर गाइस अभी आप लोगों को गेम के अंदर 2-2 लंबोर्गिनी देखने को मिलती है। दोनों में से कौन सी लंबोर्गिनी को आप लोग रॉकेट लंबोर्गिनी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बता दो। जो लंबोर्गिनी को रिमूव करने के लिए बोलोगे वो लंबोर्गिनी को रिमूव कर दिया जाएगा और उसको जब गाइस आप लोग को रॉकेट लंबोर्गिनी देखने को मिल जाएगा। आप लोग गेम के अंदर कौन सी लंबोर्गिनी को रिमूव करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग रॉकेट लंबोर्गिनी को कौन सी चीज को नंबर से स्पॉन करा सकते हो। गाइस आप लोग गेम के अंदर जो भी लंबोर्गिनी को रिमूव करने के लिए कमेंट करोगे वो लंबोर्गिनी को रिमूव कर दिया जाएगा और उसके जगह गाइस हमारे गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को ऐड कर दिया जाएगा। एंड जो लंबोर्गिनी को हमारे गेम के अंदर से रिमूव करा जाएगा वही चीट को नंबर गाइस हमारे रॉकेट लंबोर्गिनी का भी रहने वाला है। तो चीट को नंबर सेम रहने वाला है गाइस, चीट को नंबर चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हो गाइस हमारे गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी का अलग चीट को नंबर हो तो उसका भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। भाई हमारे इंडियन बाइक ड्रम थ्रेड गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी का चीट को नंबर न्यू, अगर आप लोग अलग से रॉकेट लंबोर्गिनी का चीट को नंबर ऐड करना चाहते हो तो उसका आप लोग कमेंट कर देना। हमारे गेम के अंदर न्यू रॉकेट लंबोर्गिनी का चीट को नंबर ऐड कर दिया जाएगा।
जाएगा। जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर पूरी तरीके से रॉकेट लैम्बोर्गिनी ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उसका चीट कोड नंबर भी बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे गाइस मैं रॉकेट लैम्बोर्गिनी चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस वीडियो से गाइस आप लोग रॉकेट लैम्बोर्गिनी चीट कोड नंबर ले सकते हो और आप लोग भी अपने गेम के अंदर रॉकेट लैम्बोर्गिनी को स्पॉन करके उसे ड्राइव कर सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू वेपन्स को कैसे ले सकते हो और आप लोग यहां पे देख सकते हो गाइस मैं अपने गेम के अंदर ग्रेनेड बम और साथी मशीन गन को ले लिया है। आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस ग्रेनेड बम और साथी मशीन गन को कैसे ले सकते हो वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो व्हाइट एंड बाइक ड्रम थ्रेड गेम के अंदर मशीन गन को ऐड करवाओ मशीन गन को ऐड करवाओ। इसका गाइस आप लोग काफी टाइम से काफी ज्यादा कमेंट भी कर रहे हो और डेवलपर बोले भी थे कि गाइस हम गेम के अंदर मशीन गन को ऐड करेंगे एनिमेशन मिल गया। गाइस डेवलपर मशीन गन का एनिमेशन ढूंढ रहे हैं। जैसे गाइस मशीन गन का एनिमेशन मिल जाएगा तो हमारे गेम के अंदर गाइस मशीन गन को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर मशीन गन ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर दूंगा। एंड अभी आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस ग्रेनेड बम और साथी मशीन गन को लेना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप लोग एक सीक्रेट चीट कोड वाली वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू वेपन्स को कैसे ले सकते हो, साथी गाइस जीटीए मोड को कैसे ले सकते हो, एंट्री वेस्ट को कैसे ले सकते हो और उस वीडियो के अंदर गाइस आप लोग केजीए बाइक साथी गाइस पुलिस बाइक और इसके अलावा गाइस आप लोग को बीएमडब्ल्यू बाइक का भी चीट कोड नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे गाइस मैं सीक्रेट चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि सीक्रेट तरीके से गेम के अंदर जीटीए 5 मोड को कैसे ले सकते हो, न्यू वेपन्स को कैसे ले सकते हो और मिलिट्री वेस्ट को कैसे ले सकते हैं। साथ में गाइस आप लोग काफी सारा सीक्रेट चीट कोड नंबर भी मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे गाइस मैं सीक्रेट चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड वहां से आप लोग न्यू चीट कोड नंबर ले सकते हो। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को जीप देखने को मिलेगा फिर नहीं। तो गाइस हमारे गेम के अंदर आर्मी जीप कुछ दिन पहले कन्फर्म हुआ था बट गाइस इसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया है मैं आप लोगों को बता ही दिया है। हमारे गेम के अंदर आर्मी जीप को ऐड करा जा रहा था तो गाइस जिसके अंदर काफी सारे बग्स वगैरह आ रहे थे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रहा था इसलिए गाइस डेवलपर ने इसको कैंसिल कर दिया है। आर्मी जीप गाइस आप लोगों को इस बार की अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर वाले अपडेट के अंदर गाइस आप लोगों को गेम के अंदर आर्मी जीप देखने को मिलेगा। जीप के जगह पे गाइस आप लोगों को यहाँ पे फ्लाइंग डायनो देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे फ्लाइंग डायनो को देख सकते हो कुछ ऐसा ही आप लोगों को डायनासोर गाइस गेम के इस बार की अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप लोग गाइस काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे भाई गेम के अंदर ड्रैगन को ऐड करवाओ ड्रैगन को ऐड करवाओ। गाइस ड्रैगन का जो मॉडल है वो अवेलेबल नहीं था मार्केट में इसलिए गाइस डेवलपर हमारे गेम के अंदर फ्लाइंग डायनासोर को ऐड करेंगे एंड फ्लाइंग डायनासोर को गाइस आप लोग फ्लाई भी कर सकते हो इसको स्पॉन करके। आप लोगों को पता है अभी हमारे गेम के अंदर जो आप लोगों को टीरेक्स डायनासोर मिलता है साथ ही गाइस आप लोगों को वीगनेक वाले डायनासोर मिलते हैं और स्पाइनोसोर मिलता है उसको आप लोग राइड नहीं कर सकते। लेकिन गाइस आप लोगों गेम के जो ये फ्लाइंग डायनो देखने को मिल रहा है इसको गाइस आप लोग फ्लाई कर सकते हो। फ्लाइंग डायनासोर गाइस हमारे गेम के अंदर जल्दी ऐड हो जाएगा और जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर फ्लाइंग डायनासोर ऐड हो जाएगा तो उसका गेम प्ले भी दिखा दूंगा और साथ में गाइस उसका चीट कोड नंबर भी बता दूंगा कि गाइस आप लोग फ्लाइंग डायनो कौन से चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो। तो आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे गाइस मैं फ्लाइंग डायनासोर का चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो से गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर फ्लाइंग डायनासोर का चीट कोड नंबर ले सकते हो एंड आप लोग भी अपने गेम के अंदर फ्लाइंग डायनो को स्पॉन करके उसे राइड कर सकते हो। आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं गाइस आप लोगों को खतरनाक वाला गुड न्यूज देता हूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को गेम का अपडेट कब देखने को मिलेगा और गेम के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो इस बार के अपडेट के अंदर गाइस आप लोगों को निशान जीटीआर कार देखने को मिलेगा, जेडएक्स नया बाइक का न्यू मॉडल देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों को न्यू केटीएम बाइक देखने को मिलेगा जिसका पिक्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा गाइस हमारे गेम के अंदर रॉकी बाइक या फिर पुलिस बाइक दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। अगर टाइम मिले तो डेवलपर हमारे गेम के अंदर दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि पुलिस बाइक और रॉकी बाइक दोनों को ऐड कर देंगे तो गेम के अंदर दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आरजे स्लू के अंदर इस बार खतरनाक वाला फीचर ऐड हो रहा है क्योंकि काफी टाइम से हमारे आरजे स्लू के अंदर खतरनाक वाला फीचर ऐड नहीं हो रहा है। तो इस बार गाइस आप लोगों को आरजे स्लू के अंदर खतरनाक वाला फीचर देखने को मिलेगा एंड वो फीचर के बारे में अभी डेवलपर ने रिवील नहीं करा है तो जैसे रिवील करेंगे मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। आप लोग ऑटो रिसाव ट्रैक्टर के लिए काफी ज्यादा कमेंट करो, काफी ज्यादा हाई कमेंट कर रहे हो तो डेवलपर दोनों में से कोई एक ऐड करेंगे ट्रैक्टर या फिर ऑटो रिसाव। तो आप लोग गेम के अंदर ऑटो रिसाव को ऐड करवाना चाहते हो पहले या फिर ट्रैक्टर को ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। जो भी ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा वो पहले गाइस हमारे गेम के अंदर ऐड करा जाएगा। तो आप लोग ऑटो रिसाव या फिर ट्रैक्टर ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना। के लिए जो गेम के अंदर आने वाला और जो कंफर्म हुआ है मैं आप लोगों को बता दिया हूं। तो अब मैं आप लोगों को गुड न्यूज देता हूं। मैं आप लोग आजकल की वीडियो के अंदर बोला था कि गाइस आप लोगों को गेम के अंदर गाइस एक सुपर कार देखने को मिलेगा एंड मैं आप लोगों को बोला था भाई आप लोग गेस करके भी बताओ लेकिन आप लोगों ने गेस नहीं करा है। चलो कोई ना मैं ही आप लोग को बता दूं गाइस कौन सी सुपर कार आप लोगों को इस बार के अपडेट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गाइस आप लोगों को गेम के अंदर गाइस इस बार की अपडेट के अंदर बैटमैन कार देखने को मिल सकता है। जी हां गाइस आप लोग बैटमैन कार का काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो तो बैटमैन कार गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर डेवलपर के पास टाइम मिला तो इस बार की अपडेट के अंदर बैटमैन कार को ऐड कर देंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर आप लोगों को बैटमैन कार देखने को मिलेगा। अभी तो गाइस डेवलपर बैटमैन का मॉडल ही ढूंढ रहे हैं, अगर मॉडल नहीं मिला तो इसके जगह पे गाइस आप लोगों को कोई दूसरा सुपर कार भी देखने को मिल सकता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन बाइक ड्रम थ्रेड गेम का जो आने वाला अपडेट है वो आप लोगों को किस डेट को मिलेगा। आप लोगों को पता है गाइस 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन बाद होली है तो एडवांस में गाइस आप लोगों को हैप्पी होली। तो होली के बाद ही गाइस आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा क्योंकि होली के पहले तो अपडेट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गेम के अंदर अभी कुछ ऐड ही नहीं हुआ है, ओनली जेडएक्स और निशान जीटीआर
भी ऐड हुआ है। होली से पहले तो आप लोग को अपडेट मिलेगा नहीं, तो होली के बाद ही गाइस आप लोग को अपडेट मिलेगा। आप लोग बोलते हो कि भाई अपडेट का डेट बताओ, तो चलो मैं आप लोग को डेट भी बता देता हूं। गेम का जो अपडेट है गाइस वो 5 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। अगर वर्क पहले कंप्लीट हो जाता है तो 5 अप्रैल से पहले भी आप लोग को गेम का अपडेट देखने को मिल सकता है। और गाइस गेम के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। जो भी ऐड करने के लिए बोलोगे मैं डेवलपर को बोल के ऐड करवा दूंगा, तो आप लोग जो भी चीजें ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आप लोग कमेंट करोगे मैं गेम के अंदर ऐड करवाने की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस हैप्पी होली फिर से गाइस आप लोगों को एडवांस में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू टाटा।